सो ऐसा है कुछ नज़ारा आज का। आज क्या है, आसमान में बिल्कुल बादल आ गए हैं, मे भी बारिश हो सकती है आज शाम या कल सुबह तक। तो हमारे खेत पर देखो, यहाँ पर लगी है लाई, देख रहे ना आप, ये थोड़ा वहाँ से सरसों कहते हैं प्लेन्स में, लेकिन यहाँ पे से लाई बोलते हैं, और इसका जो सब्ज़ी होती है बहुत टेस्टी होती है। और पेड़ पे लगे हैं बहुत सारे नींबू, जिसका भी हम नींबू सान के बनाने वाले हैं आज दिन में। तो दिन का प्लान ये है। तो पहले बार मेरे पास क्या है, सो गाइज दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो मम्मी पापा लोग अभी क्या होता है कि पहाड़ों में ना खाना सिर्फ दो ही टाइम खाते हैं, एक बार मॉर्निंग में एक बार शाम को। दिन में थोड़ा बहुत कहीं बिस्कुट नमकीन वगैरह खा लिया, कि दिन छोटे होते हैं। मॉर्निंग में 7 बजे उजाला होता है और शाम के 5 बजे सनसेट हो जाता है। तो मतलब करीब समझ लीजिए आप, ये कितना हो गया, 10 घंटे का दिन, और रात होती है पूरी 14 घंटे की। तो 24 घंटे ऐसे कवर हो जाते हैं। तो फिलहाल आज का टास्क है पहले कुछ खेत खोदने, खेत खोद के हम लोग समर्स के लिए उसमें बीज बो के जाएंगे, ताकि जब हम वापस आएँ तब तक उसमें कुछ ना कुछ लगा रहे खेत में हमारे। तो तब तक उग जाएगा, तो बारिश होगी, तो क्योंकि बारिश पे डिपेंड रहती है पहाड़ की मोस्टली खेती, वो है बारिश के ऊपर डिपेंड। तो बारिश होगी तो वो उगेगा, नहीं होगी तो नहीं उगेगा। लेकिन ऑलमोस्ट बारिश होती है जनवरी या फरवरी के मंथ में, तो होती है। इस बार मैं दिसंबर में होती है, लेकिन अभी नहीं हुई है। तो फिलहाल मेरा जो टास्क है वो है खेत खोदने का, पर क्योंकि अभी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तभी हमको गर्मियों में आके कुछ खाने को मिलेगा। हमारा नीचे ये देखो, ये मेरे को बार बार बोलता है, माऊ माऊ बोलते रहता है, आओ आओ आओ। देखो इसको हमेशा हमेशा भूख लगी रहती है, ये खा खा के इतना मोटा हो गया है, तो हमेशा पीछे पीछे घूमता रहेगा। अगर मैं इसके पास जाऊँगा तो ये डर के मारे भाग जाता है। मतलब ऐसे हैं बहुत बहुत प्यारा, और करीब वजन तो इसका करीब 4 किलो होगा। ये देखो कैसे जा रहा है। अब देखो अभी मेरे को ना क्या करेगा, रसोई की ओर लेके जाएगा, बोला रसोई में चलो रसोई में चलो, और रसोई की ओर बोलेगा कि देखो बिल्कुल तुवार्स रसोई लेके जा रहा है, कि वहाँ जाके मतलब इसको दूध चाहिए या इसको चाहिए रोटी। बोलो मियाँ, बोलो मियाँ, रोटी चाहिए पूरी चाहिए। ये मम्मी को देख के बिल्कुल खाता है गोली, ये मम्मी को देख के डरता है, ये मम्मी से डरा के रखती है ऐसे करके। जो हम लोग मतलब बो के जाएंगे अभी, कब पापा बात करें दीदी से, जब हम लोग बो के जाएंगे तो वो हमको ये अक्टूबर में जाके मिलेगा। तो ये होते हैं पिंडालू, थोड़ा मतलब अरबी से थोड़ा बड़ा रहता है और गडरी से थोड़ा छोटा। तो ये मतलब ऐसा छोटा और बड़ा पीस होता है, इन्हें बोलते हैं पिंडाऊ के साओ, पिंडाऊ के साओ बोलते हैं इनको, जो छोटे होते हैं। इसको उबाल के इसमें हल्का सा नमक डाल के हल्की सब्जी डाल के खाने में आता है, काफ़ी मज़ा। तो ये तैयारी हो रही है कि जो बीज हमने निकाले थे अक्टूबर में, इसको हम लोग लेके जाएंगे लखनऊ को। हाँ, इसमें से बीज निकाल के लगाएंगे, और जो कुछ बचेगा तो उसे हम लखनऊ को लेके जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो मैं आपको लाई कुछ पास से दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ लाई, और नींबू भी दिखाता हूँ। तो ये है ऐसी कुछ लाई, देखिए आप कितनी प्यारे पत्ते इसके हैं। कुछ ब्लैक कलर की भी होती है, वो और स्वादिष्ट होती है, कुछ पत्ते गीले होते हैं। अभी आप इसमें छोटे छोटे स्पॉट देख रहे हैं ना, ये है जैसे विंटर्स बिल्कुल पीक पे आता है, फिर रात में होती है ओस गिरती है। तो ओस गिरने की वजह से क्या होता है कि ये जो पत्ते हैं इनमें हल्के के छेद होने आते हैं। अभी धीरे धीरे ये फसल ख़त्म हो जाएगी जनवरी लास्ट तक, कुछ लोग के पास रहती है इसमें से, इसको गर्मी देने के लिए हम लोग को राख डालनी पड़ती है। तो ये कुछ है नींबू ऐसे, तो इस बार हमारे पेड़ में नींबू ऑलमोस्ट बहुत सारे आए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें से मतलब बहुत सारे भैया लोग आए थे, तो वो लोग लेके गए अपने लिए 10-12। इससे पहले दीदी आई थी तो वो लेके गई, बहुत सारे मम्मी लोगों ने खा भी लिए हैं, बहुत सारे का हम लोग जूस बना दिया है। तो करीब मतलब आप सोचो कि 50-60 किलो नींबू इसमें आया होगा। जब नींबू ज़्यादा आता है तो उसका साइज़ हो जाता है छोटा, तो इस बार साइज़ छोटा हुआ है। लेकिन वैसे ये होता है करीब आपका समझ लीजिए 3 पाव का एक नींबू, या 1 किलो तक भी पहुँच जाता है वेट, 3 पाव मुझे मोस्टली रहता है। लेकिन इस बार क्या है कि पाव पाव भर का एक नींबू हुआ है, तो ये ज़्यादा आने की वजह से इसका हो गया कम। ऊपर से कालू, काट 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 काट, पकड़ पकड़ पकड़। तो कालू देखो ऊपर बधा हुआ है, तो ये बंदर भगाता है, ये जर्मन शेपर्ड है, मतलब
ये तिब्बतन मास्टर जी भी हैं जो पुराना वाला कालू था, बहुत बीमार हो गया, अब वो हमारे घर साइड में नहीं आता। तो ये है, ये हमेशा बता रहता है, लेकिन जब बंदर होते हैं तब ही आता है। तो ऐसे कुछ फूल लगे हुए हैं, ये फूल भी अब विलुप्त की कगार पे, मतलब इनका सीज़न जा रहा है, क्योंकि इसके पत्ते धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो गए हैं। मेरे को करना है ये वाले खेत में हल्की सी गुड़ाई करनी है, ताकि इसमें हम लोग कुछ ला के जाएंगे, तो वो हमारे मई जून तक जब हम वापस आएंगे, क्योंकि अभी पहाड़ में घर रहेगा कुछ दिन तक बंद। ऐसा है मेरा घर, मतलब एक साइड सीमेंटेड है, एक साइड से ये पुराने वाला है, वो हमने बाद में बनाया था। ये बहुत पुराना है, ये जब मैं पैदा हुआ था 1987 में तब ये बना था, और वो वाला जब मैं पॉलटर्निंग करता था सन 2007 में वो कंप्लीट हुआ था। तो मतलब ऐसा है, तो मोस्टली सब लोग अब इस मकान को क्या होता है, बंदर इसको वो कर देते हैं, मोस्टली इसको अब लोग सब लोग कन्वर्ट कर रहे हैं आपके लेंटर में। हमारे पड़ोस वाले ने बना दिया लेंटर वाला, तो हम लोग को भी कुछ सालों में इसमें लेंटर आना पड़ेगा, क्योंकि इसके मिस्त्री अब द्वाराहाट में, मतलब गाँव में मिलना बंद हो गया। पत्थर का काम जानते नहीं लोग, अब ईंट वाला काम ज़्यादा जानते हैं। पत्थर का वाली जो पुरानी जो सभ्यता थी वो हो गई है ख़त्म। ये पेड़ है भीमल का, इसके पत्ते भी गाय खाते हैं। मैं खोद रहा था खेत, मम्मी कह रही कि तेरे को नहीं आ रहा है, तो उसके बाद फिर मम्मी ने खोदना स्टार्ट किया, तो इसमें लगा दिए मम्मी ने जौ और मेथी के बीज में हमने बोए हैं। मेथी तो अगले साल ही होगी ना, मम्मी हाँ बंदर अगर रखेंगे तो अगले साल तो होगी, वरना नहीं होगी। तो यार खेत का हो गया काम पूरा, अब मेरे को एक खेत खोदना है, वो मैं कक्को खोदूँगा उधर वाला, जो खेत जहाँ पर लाई लगी हुई थी। पापा नींबू तोड़ रहे हैं अब नींबू, हाँ ऐसे रहने दो, कोई ना कोई तो खाएगा। नींबू पापा तोड़ रहे हैं, नींबू फिर हम लोग छान के खाएंगे। अब चुप हो जा, तो देखिए ये बन गया, देखो नींबू नींबू, तो देखो ये बन गया है नींबू। नींबू बना के ले आए, इसमें थोड़ा सा भांग का नमक डालना पड़ता है। एक्चुअली जब लोग नींबू डालते हैं तो नींबू में हम लोग केला भी डाल देते हैं, थोड़ा सेब भी डालते हैं, थोड़ा टेस्ट ज़्यादा चेंज आता है। इसमें मिर्ची डलती है, भांग डलती है, इसमें मतलब भांग के दानों का नमक पड़ता है। साथ में इसमें दाल रखी है हमने, दही। तो ये अभी गुनगुनी धूप में, ऐसी धूप है, मम्मी पापा लोग बैठे हुए हैं, ये और गुड़ डाल रखा है, इसमें चीनी डाल के थोड़ा ठंडा कर दीजिए। तो ये बन गया है, अब इसे गुनगुनी धूप में, मस्त धूप आई है, इस धूप में बैठ के पीट करके, क्योंकि हल्का सा कड़वा होता है अगर धूप में ज़्यादा देर रहे। तो अब इसे खाते हैं और चटकारा लेते हैं। मम्मी पापा लोगों ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया जी, अब मैं भी खाता हूँ उसको। यह है नींबू, पहाड़ी नींबू, हमारे पेड़ का नींबू तोड़ा और इसको हमने बनाया। नींबू मैंने तोड़े हैं, ये किसी को मैंने को देने है ना, तो मैं उनको दूंगा ये नींबू। और इसके अगेंस्ट में उन्होंने मेरे लिए बहुत दिन से कद्दू रखा हुआ है, दिवाली से पहले से ही, तो दिवाली में घर नहीं आया था, तो उस वजह से देखो ये मकान धीरे 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 टूटने लग गया। बहुत पुराना ज़माने का मकान बना हुआ था और आज मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, जबकि इस वक्त आज की डेट में अगर तबाह मकान आया तो 4-5 करोड़ से नीचे बनेगा नहीं। आप देख ही सकते हैं उस साइड तो पूरा ही टूट गया है। जब पिछले बार मैं आया था तो तब इतना नहीं टूटा था, अभी देखिए इसके क्या हाल हो गए। ऊपर से पूरी छत देखो, यही ना, अब इसका मिस्त्री मिलता नहीं तो ये सही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मैं लकड़ी भी रखती है, पत्थर भी लगता है। देखिए कितने बड़े बड़े मकान हैं, तिमिजला मकान है, मतलब ये ऊपर भी है देखिए ये, तो इसमें नीचे नीचे करीब आपके चाचा कितने आपके 20 कमरे नीचे होंगे, 20-20 में होंगे और ऊपर कुछ होंगे ऐसे, मतलब इसमें करीब 60 कमरे रहते हैं इस मकान में, इतना बड़ा मकान है। क्योंकि इसकी चौड़ाई भी ना बहुत ज़्यादा है, हमको लगता है कि है इसमें पुराने ज़माने में देखिए ये लोहे के बिम इसमें यूज किए गए हैं, जो लगे हैं ये सब लोहे के बिम हैं। तो इतना बड़ा मकान ये है, जो मतलब कई भाइयों का मकान हुआ होगा उस टाइम पे, तो पूरा ये देखो इस साइड से पूरा टूट गया, पूरा जीर्ण शीर्ण में है। तो ऐसे धीरे धीरे पलायन होते जा रहा है, तो मकान भी टूटते जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ पे नींबू दूंगा और उसके गैस में वहाँ से लेके आऊँगा कद्दू। नंदा अपने उससे पूरे उससे मुकर रहे हैं अभी, बोला था कद्दू दूंगा, कद्दू दूंगा और कद्दू दे नहीं रहे अभी। या चू यही तो सब कुछ चू, ये मैं तुम दुनिया में फेमस है जला। तुम लीजिए ले रही हो नींबू,
लो हमारे पैर मैं बदल में केले केल ले रही हूँ तो प्रसाद लियो भेंट घाट चला रखी ना अभी प्रसाद छो पाठ करो कालिका मंदिर में घर में तो नन्ना ने बाती हैं देखो गाय है बहुत सारी गाय हैं उस गाय की उधर बच्चा भी बैठी हुई है ये तो पूरे गांव को दूध की सप्लाई नन्दा ही करते हैं तो इनका गाय का गला गौशाला बहुत है अभी बहुत सारी गाय गई हैं जंगल और ये इसकी छोटी सी बच्चिया भी है ये भी एक ऐसे मकान में रहते हैं जिस हिस्से में इंसान रहते हैं ना तो वो टूटता नहीं तो जिस हिस्से में वो रह रहे हैं वो टूट जाता है देखो ये कितनी प्याली बच्ची है देखो ये तो ऐसे छोटी सी बच्चा है और ये देखो ये है कालू ये जो पूरे बंदर बनाने का मतलब इसका ठेका है पूरे गाँव में कालू तो नीचे मेरा घर नीचे है कालू मेरे को देख के बहुत भौंकने में लगा हुआ है ना हाँ वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो भाभी से भी मिला देता हूँ आपको इन्होंने यहाँ को खेती बाड़ी कर रखी है इधर लाई लगा रखी है अब मैं तुम्हारे गोर दिखाऊँ ऐसी और गोर दो ही छने आज बढ़ जा रही देखो अब टाइम पे ही छम क्या करूँ तुम उनको गोर दिखा दिया अब हम गोर दिखा रहे तुमको आप पौन बच्चे हैं नहीं यार नाले तो ठुल कद्दू दे रहा देखो मैंने दिया है देखो तबला कद्दू तो ये कद्दू लेके जा रहे हैं घर को अभी कद्दू पूरी गाड़ी में आएगा तो इस बार क्या है ना ये है प्रोग्राम कि मम्मी पापा बैठेंगे पापा आगे बैठेंगे मम्मी पीछे बैठेगी मम्मी आगे बैठेगी पापा पीछे बैठेंगे तो पूरी गाड़ी खाली रहनी है ऑलमोस्ट तो क्या है कि जितना सामान समेट लो उतना अच्छा है ना तो ये हमारा कद्दू करीब 10-15 दिन चलेगा वहाँ से लखनऊ में अब ऐसा स्वादिष्ट मिलता नहीं ना पहाड़ों का जैसा स्वाद वाली सब्जी प्लेन्स में नहीं मिलती है देखो मैं उनको दे के आया नींबू के अगेंस्ट में ले आया कद्दू पहाड़ का सबसे अच्छा ज़िंदगी ये होती है कि यहाँ सट्टा बट्टा चलता है तो आज हवा बहुत सर्द चल रही है मतलब बहुत ठंडा होना जैसे सनसेट होगा वैसे ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है तो ऐसा कुछ शाम होने वाली है सामने सनसेट होगा उधर बच्चे खेल रहे हैं फील्ड में उधर उन्होंने फील्ड बनाया हुआ है क्रिकेट का तो हम लोग भी खेलते थे क्रिकेट बचपन में तो हमारा फील्ड मतलब क्या होता था कि एक महीना तो फील्ड बनाने में लगता था पहले जैसे क्या होता था कि 6 महीने इधर फसल होती थी 6 महीने होती थी उस साइड में तो एक साल हम लोग की साइड में यहाँ की इधर फसल खाली रहती तो इधर बनाते थे कभी उधर बनाते थे आज तो क्या है कि कहीं खेती नहीं होती है तो कहीं भी बना लो ये सारे खेत खाली हैं जब हम छोटे थे तो ये वाले खेत से खेलते थे ये हमारा खेत है तो इसमें खेलते थे फिर जब हम बड़े हो गए तो हम लोग फिर नीचे जहाँ मतलब मेन बड़े लोग खेलते थे तो हम लोग वहाँ खेलने लग गए थे नीचे तो ऐसा कुछ है ये देखो यहाँ मतलब पहले खेत थे सब जगह पे अब पूरे बंजर हो गए अब लोगों ने खेती करना छोड़ दिया अब तो सब में घास ही होगी पता नहीं चला कि खेत कौन सा है सारी धरती बंजर है तो नीचे जो फील्ड दिखाई दे रहा है आपको सामने जहाँ 4-5 बच्चे खेल रहे हैं वो जो पिच बनी हुई है वो पिच मतलब बड़े लोग की थी तो बाद हम लोग वहाँ खेलते थे वहाँ से जो ऊपर रास्ता है उधर जो दीवार है उस दीवार में के ऊपर 6 था दीवार में अगर टकरा दी थी 4 था नीचे वाले उस वाले पिच से नीचे आए 2 खेत नीचे वो पर पत्थर रखे हुए देखो आज तक पत्थर रखे हुए हैं जब हम खेलते तब से पत्थर रखे हुए हैं कोई आज तक उठा के लेगा चारों ओर बाउंड्री बनी हुई है तो चारों ओर पत्थर रखे हुए हैं तो सारे पत्थर हमारी बाउंड्री है ये तो ऐसे हमने बाउंड्री बनाई हुई थी और इससे खेलते थे सामने स्टेट में भी बहुत सा लंबा छक्का था जहाँ वो सूखा सा पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पर तो ऐसा मैंने बचपन का आता था गांव आते तो बचपन बहुत याद आता है तो इसी के साथ सनसेट होने वाला है और करते हैं ब्लॉग को ही क्लोज कैसा लगा आपको ये ब्लॉग थोड़ा गांव की लाइफ के बारे में था और क्या क्या गांव में एक्टिविटी होती है वैसे गांव की लाइफ और ज़्यादा टफ है मैं बहुत आपको आसान शब्दों से बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ रहना टफ है क्योंकि चुनौतीपूर्ण होता है पहाड़ी लोग का जीवन क्योंकि ये पहाड़ हमको सिखाते हैं साहस और धैर्य ऐसे धैर्य मतलब जैसे खड़े हैं कई सालों से वैसे धैर्य है और रोज़ चलने का इसको साहस हमको पहाड़ सिखाता है तो इसीलिए जीवन यापन आसान हो जाता है किसी भी पहाड़ी व्यक्ति के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।